हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आपको डियर स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 20 करवाने जा रहा हूँ। आप मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगे, है ना। और विज्ञान की क्लास 6 की ये वर्कशीट रहेगी, ठीक है। इससे पहले मैंने असेसमेंट की भी सारी वीडियोस डाल दी हैं और आज जो है हम साइंस की कर रहे हैं, ठीक है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्यूज के बारे में समझेंगे, फ्यूज के बारे में क्या है ये, ठीक है, और सारे आंसर अच्छे से करेंगे। जब भी जरूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो ये जलकर टूट जाता है। मतलब ये जो फ्यूज़ है ना, अगर इसमें करंट ज़्यादा फैल गया या ज़्यादा चला गया तो ये जलकर टूट जाएगा और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। मतलब देखो, जैसे मान लो फ्यूज है तो करंट आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आ गया तो ये पिघल जाएगा और आगे करंट नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, आग लगने से बच जाएगी या कोई दुर्घटना होने से बच जाएगी। बच्चों, तो समझ में आया फ्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इसलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। मतलब अगर ज़्यादा करंट आ गया ना तो आगे तक नहीं जाएगा और इसकी वजह से कई उपकरण जलने या ख़राब होने से बच जाते हैं। समझ में आया फ्यूज का फ़ायदा है क्या। ये फ्यूज, फ्यूज एक पतले धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। मतलब बिल्कुल पतली सी तार होती है और जितने भी सारे उपकरण हैं, मतलब जितनी भी सारी मशीन है ना जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो उन सबको हानि पहुंचाने से रोक देता है, ठीक है। अब पहले आप ये सारे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसके आंसर मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारे, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे, आपको कॉपी पर क्या करना है, सबसे पहले आप जो है वर्कशीट लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, विद्युत फ्यूज लिख देंगे, चैप्टर का नाम भी लिख देना, ठीक है, और चैप्टर को पढ़ भी लेना, ठीक है। फिर असेसमेंट आते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका आंसर अब आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। आपको एक्टिविटी दी गई है, दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। आपको बताना कौन सा बल्ब फ्यूज और क्यों, ठीक है। देखिए, अब मैं आंसर पढ़ रहा हूँ और यही आपको कॉपी पर जो है ना ये उतारने के बाद ये लिखना है, ठीक है। सुनिए, उत्तर, दिए गए चित्र में बल्ब ए फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज, सॉरी यहाँ पर आप फ्यूज लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी, ठीक है, क्योंकि फ्यूज बल्ब का मतलब है, यहाँ पे फ्यूज लिख देना बच्चों, ठीक है, समझो। आगे सुनो कि बल्ब के तंतु का खंडित होना, मतलब ये ना टूट गया है तो इसको हम फ्यूज बल्ब कहते हैं। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये दीप्तमान नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि भाई ये दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि टूट गया ना तो जलेगा नहीं, तो इसलिए तो हम उसे फ्यूज कह रहे हैं, ठीक है। और देखो, ये जो इसका आंसर है ना, ये यहाँ पे लिखा था यार फ्यूज लिखा, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। तो एडिटिंग करने में कई बार टाइम या प्रॉब्लम आ जाती है तो इसलिए हो नहीं पाया था, ठीक है। तो ये लिखा फ्यूज का, फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना, बल्ब के तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेलों के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के बल्ब टूट जाता है, इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये दीप्तमान नहीं हो पाता। तो ये सेम ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही आपको रीज़न देना है और यहाँ पर संकेत के तौर पर इन्होंने आंसर दे दिया था, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, अरे क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है। बच्चों, अगर हवा के अंदर करंट होता और या करंट हवा ले जाती तो सारे के सारे जो है डैमेज हो जाते हैं, हाँ या ना। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुँच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता, इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति होती, मतलब कोई जीवित नहीं रह पाता, है ना। तो ये आपको पहला पेज समझ में आ गया। अब आगे देखिए, देखिए अब आपका ये पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा है, ठीक है। अब मैं इसके आंसर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग बहुत ही ईजी मैचिंग है। देखिए, अगर आपको थोड़ा यहाँ पे समझना आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके पहले पूरी मैचिंग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आंसर देखिए, ये कह रहा स्विच क्या काम करता है, तो स्विच एक सरल युक्ति है, ठीक है, जो विद्युत परिपथ को जोड़े तोड़ सकती है। देखो, बंद करा तो करंट जो है वो रुक जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऑन करा तो करंट आगे जाने लग जाएगा, जैसे आप घर पर बटन ऑन ऑफ करते हैं ना। अब फिलामेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो फिलामेंट होती है ना बच्चों, विद्युत धारा के प्रभाव से दीप्तमान हो जाता है, ठीक है, फिलामेंट की वजह से ही जो है बल्ब जग जाता है। और विद्युत रोधक किसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। उसके बाद डी है बैटरी, बैटरी सेल का समूह होती है। और फिर पूछ रहा विद्युत चालक क्या है, तो आप विद्युत चालक में बोलेंगे
कि जो विद्युत चालक है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ठीक है। इसमें से विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाती है। और सेल क्या है? सेल मैं आपको बताता हूँ, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल कहते हैं। तो आपको सारे समझ में आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर आंसर देखना। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे आपको इसके चेन बनाने हैं, ठीक है। आपको ये इसके साथ नहीं करना, ठीक है, आपको पहले ये करना है फिर ये करना है। तो अब आप इसकी पिक्चर बना देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके लिए स्पेशल जो प्रिंट फॉर्म में दिखाई, ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझा दी है, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और कोई भी अगर आपको कमी लगे, कुछ भी बात कहनी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ताकि उसमें और अच्छा सा सुधार हो और अच्छी वीडियो बने, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।